हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज फॉर इलेक्ट्रॉनिक साइंस स्टूडेंट्स। एंड आज हम करेंगे जुलाई 2018 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। आज ही जुलाई 2018 की लास्ट वीडियो है। ओके, सो इसमें जो लास्ट 14 क्वेश्चन जो हैं वो आपके बाकी हैं, रिमेनिंग हैं। सो मैं इसमें आपको आज कवर करवा दूँगी। बाकी जो जितने भी क्वेश्चंस जो हैं वो 100 क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, बच गए हैं, वो सारे सी प्रोग्रामिंग के आपके जो क्वेश्चंस थे वो थे, जो कि आपके अपडेटेड सिलेबस में नहीं है, तो मैं उनको आपको कवर नहीं करवाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। सो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। सो लिस्ट 1 में amplitude modulated wave, second is FSK, that is frequency shifting king, and third is frequency modulation wave, and fourth is binary phase shift king हमें given है। and list 2 में हमें इनकी equation जो है, जो standard equation है वो given है, and इनको हमें proper match करना है कि कौन से जो होगी equation, जो standard equation AMM wave की standard equation क्या होगी, FSK की standard equation क्या होगी, okay, and so on। सो फर्स्ट अगर हम देखें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो होगी आपकी, उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो आपके पास हो जाएगी 1 + m sin 2πfmt Ec sin 2πfct। ओके, सो यहाँ पे जो m जो होगा वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, एंड जो Ec है वो आपका करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, हो जाएगा। ओके, सो ये आपकी फोर्थ जो होगी जो एम्पलीट्यूड वेव मॉड्यूलेशन की जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास ये हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग। सो इसकी जो होगी वो आपके पास हो जाएगी, थर्ड से मैच करेगा ये, दैट इज Vc cos 2πfc + Vmt del ft। तो डेल एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी डेविएशन हो जाएगा यहाँ पे आपका। FM वेव जो है वो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास फर्स्ट से मैच करती है। ओके, एंड BPSK जो होगा उसका वो सेकंड से आपका मैच करेगा। ओके, सो करेक्ट एक्सप्रेशन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 3, 1, 2। ओके, सो अगर हम करेक्ट जो ऑप्शंस में चेक करेंगे, दैट इज ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Next question is assertion region question. So our assertion says all the mesh currents are necessarily loop currents, but all the loop currents may not be the mesh currents. Yeah, this is true. Our assertion is true. Assertion says कि जितने भी mesh currents हैं वो पक्का loop currents होंगी, but जो loop currents हैं वो जरूरी नहीं है कि वो mesh current हो। Okay, so assertion is true and reason is the mesh current is the current which flows only around the perimeter of a mesh. So see, इसमें क्या होता है कि मैश और लूप में सबसे पहले हम इसकी डिफरेंस देखेंगे। तो लूप क्या होता है कि एक क्लोज पाथ होता है जिसमें कोई भी एक नोड जो होगा वो रिपीट नहीं होगा। ओके, सी अगर हम बात करें कि लूप जो होगा वो इस तरीके से होगा कि कोई भी जो लूप है वो रिपीट नहीं हो रहा है एक्सेप्ट जो फर्स्ट नोड होगा। ओके, तो फर्स्ट नोड होगा वही आपका एंडिंग नोड होगा। ओके, बाकी उसके अलावा कोई भी जो नोड है वो रिपीट नहीं होगा। और मैश की बात करेंगे तो मैश में कोई भी जो लूप होगा वो डिवाइड, और किसी लूप में उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। और जो मैश होगा वो एक लूप है, एक टाइप का लूप ही है जो जिसको हम मैश बोलते हैं। बट जो लूप है वो हो सकता है कि मैश हो, बट हो सकता है कि मैश ना हो। दोनों ही कंडीशन में लूप में है, बट मैश जो है वो नेसेसरी एक लूप है, इसलिए हमारा असर्शन जो है वो ट्रू है। एंड रीज़न इज द वैलिड रीज़न फॉर आवर असर्शन। सो ऑप्शन ए जो होगा वो आपके पास यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग लॉजिक फैमिलीज। तो हमें लॉजिक फैमिलीज गिवन है एंड हमें अरेंज करना है इनको इनके डिक्रीजिंग पावर डिसिपेशन में। ओके, सो अगर हम देखें तो हमें कौन कौन सी लॉजिक फैमिलीज गिवन है। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड TTL लॉजिक फैमिलीज, सेकंड इज ECL, दैट इज एमिटर कपल्ड लॉजिक, थर्ड इज RTL एंड फोर्थ इज CMOS लॉजिक फैमिली। सो अगर हम इनके पावर डिसिपेशन देखें तो आपका जो TTL होगा उसका पावर डिसिपेशन आपके पास 10 हो जाएगा मिलीवोल्ट में। ECL जो होगा उसमें 40 to 55 होता है आपका। RTL जो होता है वो 12 होता है, एंड CMOS जो होगा वो 0 to 0.01 होगा। ओके, सो इनके बेस पे आपको को इनके डिक्रीजिंग पावर डिसिपेशन में इनको अरेंज करना है। तो सबसे डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वाला पहले और सबसे कम वाला बाद में। तो सबसे ज़्यादा इसमें आपके पास 40 to 55 है, तो ये आपका ECL का है। देन आपके पास RTL आ जाएगा, दैट इज़ 12, एंड देन TTL दैट इज़ 10, एंड CMOS हैविंग 0 to 0.01 मिलीवोट पावर डिसिपेशन। ओके, सो करेक्ट जो एक्सप्रेशन होगा आपके पास वो हो जाएगा B, C, A एंड D। तो अगर हम इसमें चेक करें ऑप्शन में तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो सी ये एक टेबल है आपके पास जो मैंने रिवीजन कोर्स में भी आपको प्रोवाइड करवाई थी। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लॉजिक फैमिलीज़ का जो आपका टॉपिक है। उसमें क्या होता है कि काफ़ी मतलब जैसे पावर डिसिपेशन पे या फिर प्रोपेगेशन डिले के बेस्ड पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया जाता है, नॉइज़ मार्जिन पे भी और फैन आउट पे भी पूछ लिया जाता है। तो आप इस टेबल को याद रखिएगा। ओके, इस टेबल को आप याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, next question is assertion reason question. So our assertion says vestigial side band gives rise to frequencies very close to the carrier frequency. So assertion क्या बोल रहा है कि जो VSB जो modulation है that is vestigial side band जो होगा वो हमारे जो frequencies होंगी उनको rise देता है, उनको increase करता है। okay, so our assertion जो है वो बिल्कुल सही है। Reason is it is not possible to go to extreme and suppress one complete sideband by physically realizable filters. तो इसमें क्या बोला है कि इसमें possible नहीं है। हाँ, इसमें ये बोला गया है कि vestigial sideband को हम यूज़ क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारे फिजिकली रिलाइजेबल फिल्टर्स हैं उनके द्वारा हम सिर्फ कंप्लीट साइड बैंड को सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ओके, पॉसिबल नहीं है ऐसा, इसलिए हमारा रीज़न जो है वो भी ट्रू है एंड रीज़न इज़ द वैलिड रीज़न फॉर आवर असर्शन। सो होता क्या है कि जो बेसिकली हमें पता है कि हमें किसी को भी सिग्नल को मॉडुलेशन करने के लिए दोनों साइड बैंड जो रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अगर हम दोनों साइड बैंड को यूज़ करेंगे तो ये टोटली एक वेस्ट है। ओके, इसलिए हम एक सिंगल बैंड को यूज़ करना चाहते हैं। तो सिंगल बैंड को अगर हम ट्रांसमिट करेंगे यहाँ पे तो लॉस जो होगा, इन्फॉर्मेशन का लॉस होने का खतरा ज़्यादा रहता है यहाँ पे। ओके, सो इसलिए हम VSB जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें क्या करता है, एक सिग्नल का एक पार्ट जो है जिसे कि हम वेस्टीज बोलते हैं, ओके, उसको हम मॉडुलेशन में यूज़ करते हैं, वो मॉडुलेट होता है अलोंग विद वन साइड बैंड। हम जो हमारे जो रिलाइजेबल फिल्टर्स हैं, फिजिकली रिलाइजेबल फिल्टर्स जो प्रैक्टिकली फिल्टर्स हैं, उनके द्वारा हम सिंगल जो बैंड साइड बैंड है उसको हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इससे क्या होता है कि लॉस होने का डर रहता है। ओके, इसलिए हम VSB यूज़ करते हैं। तो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन A जो होगा वो आपके पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द इंडक्टेंसेज फॉर डिफरेंट जियोमेट्रीज यूज इन माइक्रोवेव्स, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। सो हमें माइक्रोवेव्स में जो इंडक्टेंसेज यूज़ किए गए हैं उनके बारे में हमें बोला गया है। सो फर्स्ट इज वायर इंडक्टर, सेकेंड इज सर्कुलर लूप इंडक्टर, थर्ड इज स्क्वेयर स्पायरल इंडक्टर एंड फोर्थ इज सर्कुलर स्पायरल इंडक्टर। सो अगर हम वायर इंडक्टर की बात करेंगे तो ये मैच करेगा दैट इज फोर्थ से। L = 5.08, L/D + 0.386। तो L जो है यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर है। सर्कुलर लूप इंडक्टर जो है वो आपका थर्ड से मैच कर जाएगा। स्क्वेयर स्पायरल जो इंडक्टर है वो आपका सेकंड से मैच करेगा एंड सर्कुलर स्पायरल इंडक्टर है जो आपका फर्स्ट से मैच करेगा। ओके, सो इनको आपको याद रखना है। तो करेक्ट एक्सप्रेशन आपके पास हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ओके, सो अगर हम ऑप्शन में चेक करेंगे दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, next question is assertion reason question. So our assertion says lesser number of bits per code are required due to less number of quantization levels in DPCM. So हमसे assertion क्या बोल रहा है कि अगर हम DPCM की बात करें तो DPCM क्या है यहाँ पे, difference pulse code modulation। So अगर हम DPCM की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो उसमें हमें जो PCM के कंपैरिजन में लेसर नंबर की जो बिट है वो रिक्वायर्ड, लेस नंबर की बिट्स जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड होती है। ओके, क्योंकि लेस नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स प्रेजेंट होते हैं DPCM में। सो रीज़न हमें क्या गिवन है, इन दिस केस द डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव सैम्पल्स इज क्वांटाइज्ड विच डू नॉट डिफर मच इन एम्पलीट्यूड। सो हमारा असर्शन एंड रीज़न दोनों ट्रू हैं एंड रीज़न इज द इंडिविजुअल इंडिविजुअली भी ट्रू है, रीजन इज द वैलिड रीजन फॉर अवर असर्शन। सो क्या होता है कि डीपीसीएम जो होता है हमारा डिफरेंस इम्पल्स कोण मॉड्यूलेशन है, उसमें हम सक्सेसिव सैम्पल्स को लेते हैं ओके, जिसमें कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए हमें पीसीएम एज कंपैरिजन टू पीसीएम हमें डीपीसीएम में लेस नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर होती हैं ओके। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion is the hexadecimal numbers are first converted into binary numbers and operations are performed using binary representation of hexadecimal numbers using रूल्स ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो assertion क्या बोल रहा है कि हेक्साडेसिमल नंबर्स जो हैं उनको सबसे पहले हम बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं एंड जो ये ऑपरेशन होगा वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के द्वारा परफॉर्म होगा ओके बाई यूजिंग रूल्स ऑफ बाइनरी नंबर्स। या दिस इज ट्रू, अगर हमें किसी में भी हेक्साडेसिमल नंबर को किसी में कन्वर्ट करना है तो हम सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, हमें पता ही है। सो assertion इज ट्रू। रीजन इज सेज द इन्फॉर्मेशन कैन बी हैंडल्ड इन हेक्साडेसिमल फॉर्म इन डिजिटल सर्किट्स बट इट इज इजियर टू एंटर इन्फॉर्मेशन यूजिंग बाइनरी नंबर्स। तो रीजन क्या बोल रहा है हमें कि इन्फॉर्मेशन जो हम हैंडल कर रहे हैं डिजिटल सर्किट्स में वो हेक्साडेसिमल में, वी ऑल नो दैट ओके, बट जो अगर हम बाइनरी नंबर्स में अगर हमारा इन्फॉर्मेशन को एंटर करते हैं तो वो ईजी होगा। सो नो, रीज़न इज़ रॉन्ग बिकॉज अगर हम देखें हमारे जो बाइनरी नंबर्स होते हैं तो उसमें बाइनरी नंबर्स में जो 4 बिट नंबर होता है आपका सी, अगर हम 100 ले लें ओके, सो ये जो है वो आपका बाइनरी में है ओके, सॉरी इसका जो बेस होगा बाइनरी का वो आपका 2 होगा ओके। सो बाइनरी में जो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा 4 बिट का। अगर हम हेक्साडेसिमल में देखें तो इसको हम सिंपली 8 बोल सकते हैं ओके, सो सिंपली 1 डिजिट जो होगा हेक्साडेसिमल में हो जाएगा, इसलिए क्या होगा हम देख सकते हैं कि यही जो है वो मतलब 1 डिजिट वाला इजी होगा या फिर 4 डिजिट वाला। सो ऑब्वियसली 1 डिजिट वाला ज़्यादा इजी है तो हेक्साडेसिमल इजी होता है एज कम्पेयर टू बाइनरी ओके, इसलिए हमारा जो रीजन है वो रॉन्ग है एंड असर्शन इज ट्रू। सो अगर हम ऑप्शन में देखें दैट इज ऑप्शन सी जो होगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा ओके। Next question is assertion and reason. So our assertion says ECL is the fastest of all logic families and used in applications where your high speed is essential. So assertion says जो एमीटर कपल लॉजिक फैमिली जो है आपकी वो सबसे फास्टेस्ट है among all logic families and इसको हम हाई स्पीड जो वाली जो applications होती हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। तो या अपना जो assertion है वो ट्रू है क्योंकि ECL जो होता है उसका सबसे मिनिमम प्रोपेगेशन डिले होता है, इसलिए ये सबसे फास्टेस्ट होता है। रीज़न इज़ हाई स्पीड इन ECL इज़ बिकॉज द ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड इन डिफरेंस एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन इन विच दे आर नेवर ड्राइवन इनटू सैचुरेशन एंड द स्टोरेज टाइम इज़ एलिमिनेटेड। सो इसका जो रीज़न है वो क्या बोल रहा है कि जो हाई स्पीड है ECL में वो किसके कारण है कि जो ट्रांजिस्टर्स हैं जो हम एम्पलीफाई कॉन्फ़िगरेशन में जो ट्रांजिस्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो कभी भी सैचुरेशन रीजन में नहीं जा रहे हैं और हमारा स्टोरेज टाइम है वो एलिमिनेट हो रहा है ओके, एलिमिनेटेड है। सो इसलिए जो है ECL की हाई स्पीड है, तो हमारा रीज़न है वो भी ट्रू है एंड रीज़न इज़ द वैलिड रीज़न फॉर अवर असर्शन। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Next question is assertion says the synchronous speed of an induction motor can be varied by varying the frequency of the applied voltage. So assertion is true. Assertion says कि जो हमारे इंडक्शन मोटर है उसकी जो सिंक्रोनस स्पीड है उसको हम अप्लाइड वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं स्पीड को ओके। सो हमारा जो assertion है वो true है। Reason is says with smaller frequency of operation there is a large value of slip and motor rotates non-linearly with the frequency of the applied voltage. So reason जो है आपका वो गलत है and assertion true है, तो आपका correct answer जो होगा वो हो जाएगा that is option C okay। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द डायमीटर ऑफ एस एम एफ जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल मोड फाइबर को। जो डायमीटर है of SMF is selected in such a way that single fundamental ray travels straight along the axis of the core of the fiber. So यहाँ पे assertion क्या बोल रहा है आपका कि जो सिंगल मोड फाइबर का जो डायमीटर है उसको हम इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि जो सिंगल फंडामेंटल रे है जो कि ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट अलोंग द एक्सिस ऑफ द कोर ऑफ द फाइबर, कि मतलब क्या होगा कि हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि जो रे है हमारी वो कोर ऑफ द फाइबर जो होगा हमारा उसके स्ट्रेट अलोंग करे, उसका ट्रेवल करे ओके। सो assertion जो है वो ट्रू है एंड रीजन इज द डायमीटर ऑफ कोर ऑफ सिंगल मोड फाइबर इज मोर देन 10 माइक्रोमीटर एंड आउटर डायमीटर इज लेस देन 125 माइक्रोमीटर। नो दिस इज रॉन्ग। अगर हम डायमीटर की बात करें, कोर डायमीटर ऑफ कोर की बात करें सिंगल मोड फाइबर में, तो इसमें जो इसका होता है 8 माइक्रोमीटर होता है. ओके, सो 8 माइक्रोमीटर होता है, इसलिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा. एंड जो आउटर डायमीटर है जो कि जैकेट की बात यहाँ पे कर रहे हैं, जैकेट जो होता है वो आपका 400 माइक्रोमीटर होता है, इसलिए ये आपका दोनों ही जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो गलत हैं, इसलिए रीज़न जो है वो गलत हो जाएगा एंड असर्शन इज़ ट्रू. सो ऑप्शन सी जो होगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा. Next question is, assertionist says the stability analysis of systems with dead time can be conducted easily using the border plots. Yeah, this is true because जो हम border जो stability analysis जो होता है हमारे with dead time के साथ जो stability analysis है वो हम border plot से easily conduct कर सकते हैं, easily find out कर सकते हैं stability. Okay, reason is the magnitude plot of a system is unaffected by the presence of dead time. Yeah, this is true and reason is the valid reason for our assertion. So option A is the correct answer. Next question is, match the following lists. सो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में गिवन है, लिस्ट 1 में कुछ फिगर्स गिवन है, लिस्ट 2 में हमें इनकी स्टेबिलिटी के बारे में हमसे पूछा गया है. ओके, सो सी सबसे पहले आपको इसके लिए एक जो रूल है वो याद रखना चाहिए कि हमारे पास अगर यूनिट सर्किल है, ओके, सो यूनिट सर्किल है हमारे पास जो कि यहाँ पे -1 है और ये 1 हो जाएगा. तो अगर हमारे पास इनसाइड यूनिट सर्किल है, पोल्स हमारे या फिर जीरोज हमारे, पोल्स जीरोज जो हैं इनसाइड हैं, तो वो जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा. ओके, अगर आउटसाइड है तो वो अनस्टेबल होगा, और अगर वो यूनिट सर्किल पे ही हैं तो वो मार्जिनली स्टेबल होगा, मार्जिनली अनस्टेबल होगा. ओके, सो सी अब अगर हम इसको चेक करेंगे तो क्या होगा, आपके पास फर्स्ट है आपके पास जो कि इनसाइड है. अगर हम इसमें यूनिट सर्किल ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से -1 पे, तो जो कि इनसाइड हो रहा है तो ये जो होगा वो आपका स्टेबल हो जाएगा और ये वेल डैम्प्ड होगा, तो आपका ये सेकेंड से मैच करेगा. सेकेंड इज, अब अगर इसको हम देखें तो ये जो होगा वो यूनिट सर्किल के वो होगा, तो आपके यूनिट सर्किल में है तो ये आपका 1 हो जाएगा, स्टेबल बट ऑसिलेटेड सिस्टम. अगर हम थर्ड देखें आपके पास, दैट इज़ ये बिल्कुल यूनिट सर्किल पे है आपके पास तो ये मार्जिनली हो जाएगा, दैट इज़ फोर्थ. एंड अगर हम आपके पास फोर्थ देखें, लास्ट 1 देखें, तो ये यूनिट सर्किल से आउटसाइड है तो मतलब अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा. तो इसका करेक्ट जो एक्सप्रेशन हो जाएगी 2, 1, 4, 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग लिस्ट. सो लिस्ट 1 में हमें जो सिग्नल्स हैं दैट इज़ यूनिट सिग्नल्स और ये सब है, टाइम डोमेन में दे रखे हैं. लिस्ट 2 में हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको कन्वर्ट कर रखा है, तो हमें पता है कि टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये जो सिग्नल होगा इसको हम फूरियर ट्रांसफॉर्म बोलते हैं. ओके, सो ये जो है फूरियर ट्रांसफॉर्म्स हमें गिवन है. तो फर्स्ट इज़ डेल्टी फंक्शन हमें गिवन है, डेल्टी का जो आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 होता है, कांस्टेंट होता है. तो अगर हम इसके लिस्ट 2 में चेक करेंगे तो ये 1 से सेकंड से मैच करेगा, 1 जो ऑप्शन ए जो है. सेकंड इज़ हमें यूनिट स्टेप फंक्शन दे रखा है यूटी. सो यूटी जो है वो उसका आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो 1/j ओमेगा होता है 1. ओके, सो ये जो होगा वो आपका फर्स्ट से मैच करेगा. थर्ड इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको गिवन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो आपका जो होगा वो मैच करेगा 4 से. ओके, एंड जो आपका फोर्थ जो है दैट इज़ लास्ट जो आपका है वो है एक रेक्टेंगुलर जो आपका है फंक्शन. सो रेक्टेंगुलर फंक्शन जो है वो उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो एक सिंक फंक्शन और साइनोसॉइडल फंक्शन होता है, सिंक फंक्शन होता है, तो इसका जो डी है वो थर्ड से मैच कर जाएगा. तो करेक्ट जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 1, 4, 3. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग नेटवर्क. आपके पास एक नेटवर्क गिवन है यहाँ पे. ओके, सो 3 स्टेटमेंट्स गिवन है. पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर R1 इज P1. सो R1 में जो पावर डिसिपेटेड है वो P1 है, R2 में जो है वो P2 है एंड R3 में आपके पास P3 है. ओके, सो इनको अब अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिसिपेटेड पावर. सो हमें पावर फाइंड आउट करनी है, डिसिपेटेड पावर फाइंड आउट करनी है और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो सी हम इसको कैसे करेंगे, मैं इसको यहाँ पे नोडल एनालिसिस से कर रही हूँ, आप इसको मैश से भी कर सकते हैं. तो मैं इसको यहाँ पे नोडल से करूँगी. सो सी नोडल के लिए मैंने यहाँ पे एक नोड जो है वो रेफरेंस पे ले लिया है और उसको यहाँ पे मैंने इसकी वोल्टेज है इस नोड पे वो मैंने आपको यहाँ पे V मान ली है. ओके, सो मैं आपको जो नोडल एनालिसिस मैं ये मान के चल रही हूँ आपको नोडल जो है उसको सॉल्व करना आता है ओके। सो अगर आपको ये नहीं आता है तो आप मेरी जो क्विज़ वीडियोज़ हैं उसमें आप जाके देख सकते हैं, मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें ओके। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो है वो यहाँ पे जो नोड मैंने इसको ले लिया है ग्राउंड एज ए रेफरेंस टू ग्राउंड ओके। सो जो आपका नोड होगा वो उससे नोडल एनालिसिस में क्या होगा कि जो जितने भी करंट्स होंगी वो मतलब केसीएल पे काम करेगा ये ओके। सो केसीएल क्या बोलता है कि जितने भी आउटगोइंग या इनकमिंग करंट्स हैं उनका जो सम होता है एल्जेब्रिक सम है वो जीरो है ओके। सो ये नोड हमने ले लिया है तो हमने इसे सपोज कर लिया कि ये जो करंट है आपके I1 है ओके एंड ये करंट जो है वो I2 है एंड ये करंट जो है वो I3 है ओके। सो इन तीनों का सम आपके पास जीरो हो जाएगा, दैट इज़ I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो ओके। सो I1 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी V माइनस 5/4 प्लस I2 की V अपॉन 2 प्लस I3 की आपके पास हो जाएगी V माइनस 10/2 ओके इज इक्वल टू जीरो। तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे एल्सियम लेके तो हमारे पास V की वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी 5 ओके। सो अगेन हम इसको मतलब अगर हम आगे करेंगे इसको तो v की वैल्यू वी गेट आवर v की वैल्यू दैट इज़ 5 ओके। सो अब हमें v की वैल्यू में मिल गई है तो हम सब में i की वैल्यू जो है I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास v की वैल्यू 5 है तो I1 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 0 ओके। I2 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी v माइनस 10 दैट इज़ 5 - 10 -5/2 एंड I3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज़ 5/2 ओके। सो वी नो दैट जो P1 P2 P3 पावर निकालने के लिए P का जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो क्या हो जाएगा I के टर्म्स में I² मल्टीप्लाई R ओके। सो पावर P1 तो आपके पास जीरो आ जाएगी क्योंकि I1 ही जीरो आपके पास। P2 जो है वो क्या आ जाएगी दैट इज़ I2 अपने पास -5/2 है तो अगर हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये आपके पास जो P2 की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 12.5 एंड P3 जो है अगर P3 को भी हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो I3 हमारे पास 5/2 है सो ये भी हमारे पास 12.5 आ जाएगी ओके। सो हमारे पास क्या है हमको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है तो P1 या तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा ये जो क्वेश्चन है मैंने इसको जो सोल्यूशन दिया है ओके। तो आपके पास P1 की वैल्यू 0 आई थी, P2 की वैल्यू आपके पास 12.5 है एंड P3 की वैल्यू भी आपके पास 12.5 है ओके। सो मैं इसको अरेंज कर रही हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो आपके पास या तो P1 P2 या तो P3 या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं ओके। सो तो आपके पास जो करेक्ट एक्सप्रेशन बनेगा या तो वो A B C का बनेगा या A C B का बनेगा। अगर हम ऑप्शन में चेक करेंगे तो आपका जो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों जो ऑप्शन हैं वो आपके करेक्ट हैं। तो इसमें ये आपका बोनस क्वेश्चन था जिससे भी आपको अगर दोनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आपने टिक किया हो तो आपको ये प्लस पॉइंट मिला था आपके इसमें ओके। सो दैट्स इट, क्वेश्चन जो आंसर आपके फर्स्ट एंड सेकंड बोथ हो जाएंगे ओके। सो दैट्स इट, मैंने जो जुलाई 2018 का जो पूरा क्वेश्चन पेपर था वो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दिया है। मैंने दिसंबर 2019 एंड जुलाई 2019 के जो पेपर्स थे वो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं ओके। सो अगर आपको इस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज़ की अब और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ओके। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।